अगर गुरु तुम्हारा प्रबल हो जाए तो मैं आपको सत्य कहता हूं, जीवन के झंझावात से तुम उसी क्षण मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण दूसरा क्षण नहीं लगाना पड़ेगा। गुरु होना, कभी कभी तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। एक तरफ मैं तुम्हें कह रहा हूं कि गुरु सबल होना चाहिए, एक तरफ मैं तुम्हें कह रहा हूं गुरु थोड़ा शक्तिशाली होना चाहिए, थोड़ा भक्ति वाला होना चाहिए, थोड़ा तपस्यावान होना चाहिए, और दूसरी तरफ मैं तुम्हें एक और बात कह रहा हूं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से भगवान मिलते हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं, भक्तों की ये बात है और भक्त ऐसा मानते हैं कि संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूं, भगवान तो मिलना बहुत आसान है, अच्छा संत मिलना थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा संत बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो जाए, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो जाए, तब तक तुम्हें अच्छा गुरु और अच्छा संत नहीं मिल पाता। एक गुलाब को किसी व्यक्ति ने आकर बोला कि तुम्हारे में लाल रंग ही क्यों निकालते हो, तुम लाल रंग के क्यों हो और तुम इतने सस्ते क्यों बिकते हो, दो चार पांच पैसे में तुम्हारी बिक्री हो जाती है, तुम 10-5 रुपए केजी बिक जाते हो, इतने सस्ते क्यों बिकते हो तुम। अगर 10-5 रुपए केजी गुलाब बिका तो एक गुलाब की कुछ 2-4-5 पैसे कीमत होगी, क्योंकि गुलाब देसी वाला बड़ा हल्का होता है। तो किसी ने कहा, गुलाब तुम इतने हल्के क्यों हो और एक ही रंग के क्यों हो, ये दो बातों का जवाब देना। गुलाब ने कहा, मैं ऐसा ही हूं, मैं सदियों से ऐसा हूं और जन्म जन्मांतर से ऐसा हूं, मेरे पूर्वज भी ऐसे थे और मैं भी ऐसे ही रहना चाहता हूं। तो गुलाब को जिसने जगाने का काम किया, उनके गुरुजी ने, उन्होंने क्या कहा मालूम, बोले तुम्हारे पूर्वज अगर सामान्य थे तो ये जरूरी नहीं कि तुम सामान्य रहो, अपनी गरीबी पर, अपनी नाकामी पर, अपनी कम कीमत होने पर गर्व न करना, तुम्हें गर्व करना है तो अपनी उन्नति पर गर्व करना, उन्नति के लिए गर्व करना। हाँ गुलाब, तुम्हारे अंदर और भी बहुत रंग है, देखो तुम्हारी ये जो डंडी है, ये जो तुम्हारी टहनी है, ये हरी है, इसमें हरा रंग भी है, ये पीछे जो पत्तियां हैं इसमें हरा रंग है, और ऊपर की तरफ अगर सही से देखो तो तुम्हारी पत्तियों के आगे की तरफ काला रंग है। तुम्हारी इस टहनी के नीचे का अगर हम त्वचा निकाल दें, खाल निकाल दें, तो अंदर सफेद रंग भी निकलता है। ऐसे कई सारे रंग बताए। गुलाब को लगा, नहीं नहीं ये सच बात नहीं है, मेरे में रंग नहीं है, मेरे पेड़ में है पर मेरे में रंग नहीं है। गुलाब नहीं माना। तो गुरुजी ने क्या किया मालूम, गुलाब के पेड़ की एक डंडी काट कर कुछ और जोड़ दिया। थोड़े दिन बाद गुलाब से दूसरा रंग निकला, गुलाब पीला निकल आया। हाँ गुलाब फिर भी नहीं माना, तो गुलाब को फिर काटा और फिर कुछ जोड़ा तो गुलाब गुलाबी निकला, गुलाब लाल निकला, गुलाब काला निकला, गुलाब नीला निकला, गुलाब पीला निकला, और जाने कितने रंग के गुलाब निकलने लगे। और एक बात बताऊं, जो पहले का गुलाब था वो दूसरे गुलाब से बहुत हल्का, और जो दूसरा गुलाब था वो पहले वाले से बहुत महंगा हो गया। पहले वाला गुलाब कुछ पैसों में बिक रहा था, ये वाला गुलाब कई रुपयों में बिकने लग गया, और ये वाला गुलाब पूरे विश्व में घूमने लग गया और पूरे विश्व का दर्शन करके आया है। ये गुलाब कभी कभी तो वर्ष में एक आध दिन तो ऐसा दिन आ जाता है जिस दिन 20-50 रुपए का भी एक एक गुलाब बिक जाता है। हाँ पर वो देशी वाला नहीं, ये दूसरा वाला, जिसने अपने रंग को पहचान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, और जिसने अपनी वो चाबी अपने साथ रखी और परमात्मा की कृपा से गुरु की बात मान ली और वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन का लाभ क्या हुआ, परिवर्तन का लाभ ये है कि गुलाब की कीमत बढ़ गई। क्या हुआ, गुलाब की कीमत बढ़ गई, गुलाब की वैल्यू बढ़ गई, और गुलाब की यात्रा बढ़ गई, गुलाब की पसंद बढ़ गई लोगों के लिए, और गुलाब के चाहने वाले बढ़ गए,
जैसे ही तुम गुरु की बात मानते हो और गुरु के अनुकूल चलते हो, गुरु के पथ पर चढ़ते हो और गुरु के सानिध्य में चलते हो, तो तुम्हारी कीमत, तुम्हारा मूल्य और तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है, तुम्हारा जीवन सरल और सहज हो जाता है। एक बात बताऊं, वो गुलाब को ठीक करने वाला जो व्यक्ति था, जो गुलाब का गुरु जी था, वो कौन था मालूम? वो कोई संत महात्मा, अमरात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, मुनि या कोई पंडित पुजारी बाधा नहीं था। वो एक माली था जो गुलाब के लिए गुरु बनकर आया और जीवन चेंज कर करके चला गया। न मालूम किस क्षण, किस पल में कौन गुरु आएगा और तुम्हें थपकी मारकर जगा कर चला जाएगा। अधिकतर तुम सुनते हो तुम्हारे जीवन में काल सर्प योग है, पितृ दोष है, वंश दोष है, परंपरा, नैसर्गिक जगत दोष है, नाना प्रकार के दोष, और तुम भयभीत हो जाते हो। तुम्हें भयभीत नहीं होना, परेशान नहीं होना। अपने घर से 5 चावल के दाने ले लीजिए, कितने? 5। वर्णम पंच विप्रा राम कार्य सिद्धम संशया। 5 चावल के दाने अपने बाएं हाथ पर रख लीजिए और एक नया घट, एक नया कलश लाइए। ऐसा कलश लाना जिसमें पानी ठंडा हो जाता हो, जो बालू से बनाया हुआ हो। क्यों? क्योंकि तुम बालू से भी पिंड पारते हो, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। बालू से बना हुआ घट लेकर आओ जिसमें पानी ठंडा हो जाता है, उसमें पानी रखो और ये 5 चावल जो तुमने बाएं हाथ में रखे हैं, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, अपने पितरों का नाम लेकर उस घट में डाल देना। ये तुम रविवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या कर सकते हो। उस घट में डाल दो और रात्रि भर डला रहने दो और सवेरे उठकर इन चावलों के साथ इस घट का पानी महादेव पर जाकर चढ़ा देना। अपने घर से ले जाकर तुम्हारा पितृ दोष, वंश दोष, नैसर्गिक जघन्य दोष, काल सर्पयोग, मंगल दोष सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हें खूब आनंद होगा।